बीजेपी सरकार के वेबिनार पर प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए किया जा रहा है। शिवराज सरकार के 15 साल का कार्यकाल सभी ने देखा है। 15 लाख मजदूर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बाहर से आए हैं। आबादी के 25% लोगों को मजदूर बना दिया है। 50% लोगों को राशन दिया जाता है, इसका मतलब आधा प्रदेश गरीब है। लॉकडाउन में लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, उनके लिए अब क्या रोजगार है। बीजेपी सरकार प्रदेश के हर परिवार के साथ धोखा कर रही है, यह कैसी आत्मनिर्भरता है। हर विभाग के बजट को सरकार ने घटा दिया है। वहीं शिक्षकों को वेतन न मिलने पर पटवारी ने कहा कि प्रदेश में पिछले कई महीनों से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, बहुत से परिवार परेशान है, शिक्षकों की आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, इनके पूरे कार्यकाल में पूरे राज्य में अभी इन्होंने आंकड़े पे दिए कि हमने 15 लाख मजदूरों को बाहर से वापस मंगाया। जब पलायन हो रहा, 15 लाख मजदूरों का उत्पादन मध्य प्रदेश में बाहर से मध्य प्रदेश आए, और मध्य प्रदेश में कितने होंगे वो अपनी जगह, मतलब लगभग प्रदेश की आबादी का 25% इन्होंने प्रदेश को मजदूर प्रदेश बना दिया। ये अपने आप में इनके आत्मनिर्भरता की कहानी है, यह स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कहानी है। 50% लोगों को सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये गरीबी रेखा के राशन वितरण व्यवस्था के अंतर्गत लाभान्वित करते हैं। इसका मतलब है कि 50% गरीब इस प्रदेश में रहते हैं जिसको ये राशन देते हैं, सरकार राशन देती है। ये सरकार के आंकड़े, कोई आरोप नहीं, ये आत्मनिर्भर।